नमस्कार दोस्तों, नव भारती परिवार में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ा था। आपको मैंने बताया था मौलिक अधिकार वाद योग्य है। अब जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, वो है नीति निर्देशक तत्व। क्या होते हैं नीति निर्देशक तत्व, वो देखते हैं बच्चों। नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख बच्चों भारतीय संविधान के भाग 4 में हमें नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है। नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमने आयरलैंड के संविधान से ली है। कहाँ से ली है? आयरलैंड के संविधान से हमने नीति निर्देशक तत्वों को लिया है। और नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जो है वो आपके किसका उल्लेख किया गया है? नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। 12 से 35 तक हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था, मौलिक अधिकारों का उल्लेख देखने को मिलता है। अब अपन नीति निर्देशक तत्व पढ़ रहे हैं, तो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4। अब आपको बच्चों ये भी पता होना चाहिए कि हमारे भारतीय संविधान में कितने भाग है? 22 भाग है। कितने हैं? 22। पहले भाग में आपके भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4। भारतीय संविधान का जो भाग 1 है उसमें संघ व राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। भाग 3 मौलिक अधिकारों का उल्लेख करती है। और भाग 4 आपके नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख करता है। तो भाग 4 में अपन ने 2 भाग पढ़ लिए हैं बच्चों। भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है और भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। मौलिक अधिकार व्यक्तियों के लिए बने हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व राज्य को क्या देते हैं? निर्देश देते हैं। क्या देते हैं बच्चों? निर्देश देते हैं। और ये परमादेश हमारे भारतीय संविधान में बताया गया है कि हर राज्य को इन निर्देशक तत्वों का पालन करना चाहिए। और ये नीति निर्देशक तत्व जो हमने लिए हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। और नीति निर्देशक तत्व हमारे देश में इसका उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका मेन मोटिव है नीति निर्देशक तत्वों का। और देश में सामाजिक व आर्थिक न्याय, सामाजिक व आर्थिक न्याय को स्थापित करने में नीति निर्देशक तत्वों का मेन रोल माना जाता है। तो आपने देखा कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, समाजवाद की स्थापना करना, सामाजिक व आर्थिक समानता को स्थापित करने के लिए नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। नीति निर्देशक तत्व राज्यों को केवल निर्देश देते हैं और अगर वो निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो उनको किसी के लिए भी बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो ये है आपके नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व के बारे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने 24 जनवरी 1950 को, इस राजेंद्र प्रसाद ने क्या कहा बच्चों? जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करने वाली सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है। कि जनता का कल्याण कैसे करना है राज्य सरकार को, उसको प्रोत्साहित करने वाली एक व्यवस्था बनाता है। राज्य को निर्देश इस आधार पर देता है कि समाज में एक सामाजिक व्यवस्था का निर्माण हो, ऐसा कहा है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। दूसरा आता है बच्चों खेड़कर। खेड़कर ने कहा है कि नीति निर्देशक तत्व वे आदर्श है जिनकी क्रियान्विति करने का अधिकार किसको दिया गया है? शासन को करना है। वे आदर्श है जिनकी क्रियान्विति का प्रयत्न शासन को करना है,
ऐसे होते हैं आपके नीति निर्देशक तत्व। तो नीति निर्देशक तत्व में दो परिभाषाएं आपको याद रखनी है, एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की और दूसरी आती है आपकी खेड़कर साहब की। अब बात आती है कि नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद 36 में क्या है बच्चों, वो ही राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 12 में भी वो ही राज्य की परिभाषा है और अनुच्छेद 36 में भी राज्य की परिभाषा देखने को मिलती है। नीति निर्देशक तत्व राज्य को इस प्रकार का निर्देश देता है कि हमें आर्थिक सुरक्षा मिलती है, हमें सामाजिक सुरक्षा मिलती है, हमें राजनीतिक सुरक्षा मिलती है। तो सभी प्रकार की सुरक्षा को स्थापित करने में आपके नीति निर्देशक तत्वों का मैन रोल माना जाता है और इसका मैन मोटिव है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, इस प्रभुत्व संपन्न लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना नीति निर्देशक तत्वों का मैन मोटिव माना जाता है। अब बात आती है कि जो अनुच्छेद 36 में मैंने आपको बताया राज्य का उल्लेख है, अनुच्छेद 37 में है कि ये न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। न्यायालय में अगर मान लो कोई राज्य इन निर्देशों के आधार पर कानून नहीं बनाता है, सामाजिक व्यवस्था नहीं बनाता है, तो हम क्या करेंगे, हम न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। राज्यों के विरुद्ध किसी भी प्रकार का वाद नहीं लाया जा सकता, ये आपका मिलता है अनुच्छेद 37 में। अब बात आती है बच्चों अनुच्छेद 38 में क्या है। अनुच्छेद 38 में वो ही जो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बात कही है बच्चों, अनुच्छेद 38 में है लोक सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना, लोक हित में जनता के हित में सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना आपका नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 38 में इस बात की व्यवस्था है। अब बात आती है बच्चों आर्थिक सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्वों के कौन कौन से अनुच्छेद है और इन अनुच्छेदों में क्या क्या बात कही गई है बच्चों, वो देखिए। अनुच्छेद 39, 38 तक मैंने आपको बता दिया है, अनुच्छेद 39 में क्या है। अनुच्छेद 39 में है कि समान जीविका के संसाधन उपलब्ध होने चाहिए, स्त्री और पुरुष को समान जीविका के साधन उपलब्ध होने चाहिए। इसके अलावा कह रहा है कि भौतिक संसाधनों का वितरण इस प्रकार से होना चाहिए कि सभी का उसमें क्या हो, हित हो। आय की विषमता हमारे समाज में नहीं होनी चाहिए, ऐसे इस प्रकार संसाधनों का वितरण होना चाहिए ताकि सामूहिक हित का सर्वोत्तम हित हो सके। ऐसा कहता है हमारे नीति निर्देशक तत्वों का अनुच्छेद 38। फिर आता है उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। आज भी आप जानते हो कि भारत विकासशील अवस्था के दौर से गुजर रहा है। आज भारत जो है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी बहुत आगे जा रहा है, साइंस के दृष्टिकोण से आगे जा रहा है, लेकिन आज भी भारत में गरीबी, बेरोजगारी, निरक्षरता, ये समस्याएं हैं। क्यों हैं? इन समस्या का कारण है उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण करना, संपत्ति कुछ लोगों तक सीमित रहना। आज भी हमारे देश की जो संपत्ति है वो 10% लोगों तक सीमित है, तो संपत्ति का विकेंद्रीकरण करना पड़ेगा तभी उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण रुकेगा, ये कहना है आपका अनुच्छेद 39 का। और कहती है समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। स्त्री और पुरुष अगर समान कार्य करते हैं तो उनके साथ राज्य सरकार इस प्रकार के नियम बनाए कि कोई भी कंपनी, कारखाना, कहीं पर भी स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन उपलब्ध होना चाहिए। फिर आता है बच्चों आपके क्या, पुरुष व स्त्रियों के स्वास्थ्य। मतलब यहाँ पर यह है कि जो आप जानते हो कई कारखानों में श्रमिक काम करते हैं,
तो वहां कारखाना मालिक का दायित्व है कि उन पुरुष व स्त्रियों के स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उनको उपलब्ध करवाए। इसके अलावा बालकों से किसी भी प्रकार का शोषण संबंधी कार्य नहीं करवाए। कारखानों और खदानों में बालकों की सुकुमार अवस्था का ध्यान में रखते हुए उन बच्चों का आर्थिक दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए, ये कहता है अनुच्छेद 39। इसके अलावा कहता है कि बच्चों को अवसर, बच्चों को शैक्षिक सुविधाएं मिलनी चाहिए और बच्चों को क्या मिलनी चाहिए, छात्रवृत्ति योजना है, शुल्क मुक्ति है, ट्यूशन फीस को समाप्त करना है, ये सारी सुविधाएं बच्चे को उपलब्ध होनी चाहिए। जो बच्चे कुपोषण के शिकार है उनको अच्छा भोजन मिलना चाहिए, मिड डे मील योजना, ये सब इनके लिए ही आई है कि बच्चों को अवसर व सुविधा प्रदान करना, ये बात कही गई है बच्चों अनुच्छेद 39 में। तो अनुच्छेद 39 में क्या क्या चीजें है, स्त्री व पुरुष को समान कार्य के लिए समान संसाधन उपलब्ध करवाना, दूसरा है भौतिक संसाधनों का वितरण इस प्रकार करना कि सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो, उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण न हो, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था होनी चाहिए, पुरुष व स्त्रियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, श्रमिक पुरुष व स्त्री के स्वास्थ्य के लिए वहां की कंपनियों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवानी चाहिए, बालकों की का आर्थिक दुरुपयोग न हो, ऐसी व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जानी चाहिए, बच्चों को अवसर व सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, ये सब बातें अनुच्छेद 39 में देखने को मिलती है बच्चों। अनुच्छेद 40 बच्चों ग्राम पंचायतों के गठन की बात करती है, वो आर्थिक सुरक्षा के अंतर्गत नहीं आता है। आर्थिक सुरक्षा के अंतर्गत बच्चों अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 41, 42, 43 और अनुच्छेद 48, इनमें जो है आपके आर्थिक सुरक्षा से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई है। अब बात आती है बच्चों अनुच्छेद 41 में क्या है। अनुच्छेद 41 कहता है कि राज्य अपने विकास की दशाओं को देखेगा और अपने आर्थिक सामर्थ्य को देखेगा कि वो कितना स्तर तक रोजगार लोगों को दे सकता है, शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवा सकता है, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान कर सकता है, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण कितना कर सकता है, विद्यालय कितने स्थापित कर सकता है, शिक्षा पर कितना व्यय कर सकता है, ये सब बेकारी जो नौकरी तो कर रहे हैं लेकिन उनको किसी भी प्रकार का कोई आमदनी नहीं हो रही है, उनसे बंधुआ मजदूरी करवाई जा रही है, ऐसे लोगों को देखना या ऐसे लोगों के लिए कानून बनाना भी राज्य सरकार का दायित्व माना जाता है। बीमारी की अवस्था में उनको बीमा सुविधा उपलब्ध करवाना, हॉस्पिटल सुविधा उपलब्ध करवाना, ये भी राज्य का दायित्व है। और इसी के लिए आप जानते हो कि मोदी सरकार ने सबसे बड़ी योजना चलाई आयुष्मान भारत योजना, ताकि हर गरीब को भी अस्पतालों में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। बीमारी हो गया, अंगहीन होने की दशा में सार्वजनिक सहायता पाई जा सके, इसी के लिए आप जानते हो राज्य सरकारों ने इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, इस आर्थिक सुरक्षा को प्रदान करने के लिए जगह जगह पर स्कूल खोले हैं, जगह जगह हॉस्पिटल खोले हैं, हॉस्पिटल के लिए सुविधाएं दी है, टीचर्स की नियुक्तियां की गई, कई ऐसे कार्यक्रम राज्य सरकारों के द्वारा किए जाते हैं ताकि अनुच्छेद 41 में जो उद्देश्य निर्धारित है उनको क्रियान्वित किया जा सके। तो क्या क्या है अनुच्छेद 41 में, राज्य अपने विकास व आर्थिक सामर्थ्य के अनुसार रोजगार के साधन उपलब्ध करवा सके, शिक्षा सुविधा उपलब्ध करवा सके, बेकारी की समस्या से निजात पा सके और बीमारी की हालत में, बेकारी की हालत में आपको पता है हमारे भारत में जो कार्यक्रम चलाया गया वो है महानरेगा, ताकि हर व्यक्ति को रोजगार मिल सके, बेकारी की समस्या का निराकरण किया जा सके। बीमारी की अवस्था में बीमा है, अंगहीन है तो
तो उसको चिकित्सकीय परामर्श देना, उसको उपकरण उपलब्ध करवाना फ्री में, ऐसी सहायता पाने का निर्देश जो है वो राज्य सरकारों को दिया गया है अनुच्छेद 41 के तहत। अब आता है बच्चों अनुच्छेद 42 में क्या है। अनुच्छेद 42 के लिए ये है कि काम करने के लिए उनको यथोचित और मनोचित दशाएं उपलब्ध होनी चाहिए। बात यहाँ पर यह है कि जो मजदूर है उनके लिए कानून बनाने चाहिए, उनको कितने घंटे काम करवाया जाएगा, उनको कौन कौन सी सुविधाएं दी जाएगी, उनको मकान की सुविधा दी जाएगी, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएगी, हर जो मजदूर कारखाने में काम करता है उसको सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवानी जरूरी है। इसके अलावा अनुच्छेद 42 का सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है बच्चों कि कोई भी महिला जो किसी कंपनी में काम करती है या किसी सार्वजनिक संस्था में काम करती है या किसी प्राइवेट संस्था में काम करती है, अगर वो गर्भवती है तो उसको सभी सुविधाएं यहाँ पर अवकाश सुविधा भी मिलनी चाहिए। गवर्नमेंट की जो स्कीम्स चल रही है उसमें खाने पीने की सुविधा भी उसको उपलब्ध होनी चाहिए। ये सब आपके अनुच्छेद 42 में देखने को मिलता है। क्या मिलता है? काम के लिए यथोचित और मानवीय दशाएं उपलब्ध करवाना और प्रसूति सहायता केंद्रों की स्थापना करना। नेक्स्ट आता है बच्चों अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 जो कहता है कि हर नागरिक को जितना वो काम करता है उसके अनुसार उसे वेतन पाने का अधिकार है। हर श्रमिक 8 घंटे अगर काम कर रहा है तो 8 घंटे काम करने के अकॉर्डिंग उसको वेतन मिलना चाहिए। ये कहता है आपके नीति निर्देशक तत्व का अनुच्छेद 43। श्रमिक और जो गरीब है उनके जीवन स्तर को उठाने का प्रयास राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। हर व्यक्ति के जीवन स्तर को उठाने का प्रयास किया जाएगा। जो श्रमिक है उनके अवकाश के समय को निर्धारित किया जाएगा और उनका सदुपयोग के बारे में जोर दिया जाएगा। तो मतलब यह है श्रमिकों के लिए कल्याणकारी है आपका अनुच्छेद 43। और अनुच्छेद 43 में ही 42वां संविधान संशोधन 1976 में 43 के जोड़ा गया और कहा गया कि उद्योगों में के प्रबंधन में श्रमिकों का भी सहयोग लिया जाना चाहिए। श्रमिकों को भी प्रबंधन की शिक्षा उपलब्ध होनी चाहिए ताकि वो श्रमिक नहीं होकर आगे जाकर के अच्छा काम भी कर सके। इसलिए श्रमिकों के औद्योगिक प्रबंधन की बात आपका अनुच्छेद 43 कहता है। और अनुच्छेद 43 गांधी जी के सपनों को भी साकार करता है। गांधी दर्शन कहता है कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दो। गांवों में छोटे छोटे जो उद्योग है, दही उद्योग है, हाथकरघा उद्योग है, खादी उद्योग है, चरखा उद्योग है, डेयरी उद्योग है, मछली पालन उद्योग है, तो जितने भी उद्योग धंधे मुर्गी पालन है, ये सारे जितने भी कुटीर उद्योग है उनके प्रोत्साहन पर राज्य सरकार को विभिन्न प्रकार की स्कीम्स चलानी चाहिए। ये कहना है आपका अनुच्छेद 43 का। तो अनुच्छेद 43 कहता है श्रमिकों को उचित मजदूरी पर उचित वेतन मिलना चाहिए, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास किया जाना चाहिए, अवकाश के समय का सदुपयोग होना चाहिए और अनुच्छेद 43 कुटीर उद्योगों के प्रोत्साहन की बात भी कहता है। तो अनुच्छेद 40 और अनुच्छेद 43 गांधी दर्शन की बात करता है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन करना चाहिए क्योंकि गांधी जी का सपना था कि जो पूरा राम राज्य है या ईश्वर जो है वो कहाँ पर निवास करता है, गांवों में निवास करता है, ऐसा महात्मा गांधी का मानना था। अब बात आती है बच्चों अनुच्छेद 48 में। अनुच्छेद 48 क्या बात करता है बच्चों, कृषि व पशुपालन संगठन की बात करता है कि राज्य सरकार को इस दिशा में कार्य करना चाहिए कि फसल में वैज्ञानिक अनुसंधान और शोधों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। गो नस्ल, भैंस नस्ल, भेड़ नस्ल, इन नस्लों को सुधारने के लिए विशिष्ट कृषि संस्थानों, विशिष्ट जो कृषि संस्थान है उन पर जोर दिया जाना चाहिए और गायों की नस्ल सुधारने पर प्रयास किया जाना चाहिए। गोवध निषेध की बात भी आपका अनुच्छेद 48 करता है बच्चों। किसका? गोवध निषेध।
गोवध निषेध की बात भी आपका अनुच्छेद 48 ही करता है, और इसी अनुच्छेद 48 में 44वें संविधान संशोधन 1979 में कहा कि विभिन्न व्यवसायों में जो व्यक्ति लगे हुए हैं उनके बीच में आय, सामाजिक स्तर, सुविधा, उन सबके भेदभाव को धीरे 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 करके समाप्त किया जाना चाहिए और समाजवाद की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। बच्चों, आप सब जानते हैं बच्चों कि ये जितने भी आपके नीति निर्देशक तत्व है ये आर्थिक सुरक्षा देते हैं व्यक्ति को। आर्थिक सुरक्षा से संबंधित मैंने आपको बताया अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43 और अनुच्छेद 48। तो ये कितने अनुच्छेद हो गए? 1, 2, 3, 4 और 5। ये 5 अनुच्छेद आपको नीति निर्देशक तत्वों के तहत आर्थिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। बच्चों, तो आपने आज नीति निर्देशक तत्वों के बारे में देखा। आगे के वीडियो में हम बताएंगे कि सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कौन कौन से प्रावधान नीति निर्देशक तत्व उसमें देखने को मिलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपको पता होना चाहिए, नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 51, 36 से 51 तक है, तो अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय विश्व बंधुत्व की बात करता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित करने की बात करता है और राज्यों को निर्देश देता है कि इस प्रकार व्यवस्था होनी चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शांति व सुरक्षा को बढ़ावा मिल सके, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को विकसित किया जा सके। ये आपका अनुच्छेद 51 कहता है। सांस्कृतिक क्षेत्र में किस प्रकार विकास होना चाहिए, उनसे संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद है, ये सब आपके नीति निर्देशक तत्वों में देखने को मिलता है। तो नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 तक है। नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख भाग 4 में है और उसी भाग 4 में ए जोड़ा गया और 51 ए जोड़ा गया और इसी में जोड़ दिए गए भाई लोगों आपके मौलिक कर्तव्य, जिनके बारे में हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो आज आपने नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ा। नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कहा गया है कि केटी शाह ने इस बात कहा है कि नीति निर्देशक तत्व एक ऐसे तत्व है जो राज्यों के द्वारा हर साल बदल दिए जाते हैं, अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तित कर दिए जाते हैं, क्योंकि ये न्यायालय में बाध्य योग्य नहीं होते। तो कई जो विद्वान थे उन्होंने नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना भी की है, लेकिन ये राज्य सरकारों को अच्छा निर्देश देते हैं। हमारे देश में सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा स्थापित करने में नीति निर्देशक तत्वों का मेन रोल माना जाता है। नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा हमने आयरलैंड के संविधान से ली है। बच्चों, तो हम आगे के वीडियोज में नीति निर्देशक तत्व के बाकी अनुच्छेदों के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हमने अनुच्छेद 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 और 48 के बारे में पढ़ा। आगे के वीडियोस में हम नेक्स्ट अनुच्छेदों को देखेंगे। देखो बच्चों, कक्षा 12th के जो विद्यार्थी है, मैंने जो यहाँ ब्लैक बोर्ड पे नोट्स लिखे हैं इनको कॉपी में लिखते जाएंगे, साथ में एक बार बुक को पढ़ेंगे। आगे के वीडियोज में मैं इनके क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगी और ऑनलाइन जो क्लासेज है उसमें जितना अच्छा शिक्षण मैं प्रदान कर सकती हूँ, जितना अच्छा मैं तुम लोगों को पॉलिटिकल साइंस को समझा सकती हूँ, मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और आप चाहते हैं मेरी कोशिश जारी रहे तो आप नव भारती स्टडी सर्कल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें, शेयर करें, ताकि मैं आगे के वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित करूं। कक्षा 12th के साथ साथ ये रीड, सीटेट सभी एग्जाम के दृष्टिकोणों से नीति निर्देशक तत्व वाला टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। तो कक्षा 12th के साथ साथ सभी विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा देखेंगे, सुनेंगे राइट नाउ और नोट डाउन करेंगे, ताकि मैं आगे के वीडियोस बनाती रहूं। धन्यवाद।